मीमफाई टोकन अक्टूबर 9 को रिलीज होने वाला है, ऑफिशियल अपडेट है और टीम की तरफ से बताई गई है। तो कल ही मैंने आपको बताया था, इनके ट्विटर स्पेस में इन्होंने क्लियर बता दिया था फ्राइडे को TGE लॉन्च करेंगे। तो कल ही इन्होंने अपडेट दे दी है, TGE की भी अपडेट दी है, साथ में इसके लिस्टिंग की भी अपडेट दी है। तो इसकी अपडेट लेते हैं, उससे पहले एक और नया और कमाल का प्रोजेक्ट है, वो भी बहुत जल्द रिलीज होगा और वहाँ पर भी आपको फ्री में अर्निंग करने की अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो चलिए उसको पहले देख लेते हैं। सो ये प्रोजेक्ट पॉकेट फाई का है, इसके बारे में आगे भी मैंने आपको बताया था। इसमें भी ज़बरदस्त प्रोग्रेस हो चुका है और अच्छे खासे पार्टनरशिप भी हो चुकी है। Q4 में इसका माइनिंग एंड होने वाला है, सो Q4 में ही इसकी लिस्टिंग हमको देखने को मिल सकती है। और मज़ेदार बात यह है, यहाँ पर डिपॉजिट, सेंड, स्वैप, वॉलेट सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं और ये भी टोन के ब्लॉकचेन पर ही रन करेगा। टास्क में आओगे तो डेली बोनस मिलता रहता है, बढ़िया क्वांटिटी में डेली बोनस मिलता है। आप रोज़ाना ग्रैब करते रहोगे तो अच्छे खासे टोकन फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा भी अच्छे खासे टास्क है, इसको भी आप कंप्लीट कर सकते हो और बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में आपको माइनिंग की स्पीड भी मिल रही है। ठीक है, 2, 5 या 10, 15 टोकन देकर छोड़ नहीं दिया है, बल्कि यहाँ से आपको बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में स्विच पर आर के माइनिंग की स्पीड मिल रही है। ठीक है, देख सकते हो +0.6, +0.6। फिर माइनिंग वाले सेक्शन में आओगी तो यहाँ से आपको टैप वगैरह नहीं करना है, बल्कि आपकी माइनिंग ऑटोमेटिक चलती रहेगी। जब भी यहाँ से आपका टाइम कंप्लीट हो जाता है तब आपको यहाँ पर आना है और क्लेम कर लेना है। सो टैप करने की और माइनिंग वगैरह करने की और इसी के टोकन से परचेज करने की भी ज़रूरत नहीं रहती है, ऑटोमेटिक माइनिंग होती रहती है। अब ये इनका डैशबोर्ड है, करंट स्विच एमिशन, तो इतने टोकन माइन हो चुके हैं और यूज़र कितने हुए हैं वो भी आप देख सकते हो, 6.5 मिलियन प्लस यूज़र हो चुके हैं। इसके अलावा इनके और ज़्यादा प्रोजेक्ट है, उसमें डॉलर पंक डाउ करके है, पंक सिटी और क्यूब्स वाला भी है। तो जो ट्विटर स्पेस हुआ था उसमें भी पॉकेट फाई ने पार्टिसिपेट किया था, पिक्सलवर्स, पॉकेट फाई, मीम फाई, बैट टोकन। तो जैसे अभी मीम फाई की लिस्टिंग की अपडेट आ चुकी है, वैसे ही पॉकेट फाई भी बहुत ही शॉर्ट टर्म में अपना लिस्टिंग का डेट अनाउंस करने वाला है। तो इसको ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना। चलिए अब मीम फाई की मेन अपडेट है उसको कवर कर लेते हैं। मीम फाई विल लिस्ट ऑन October 9। तो मीम फाई बहुत ही शॉर्ट टर्म में लिस्ट होने वाला है, तो 20 दिन से भी कम वक्त बचा हुआ है। इस वीडियो पर अगर 20 लाइक कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं आपको मीम फाई का एक सीक्रेट ट्रिक है वो बताऊंगा, स्पेशल अलग वीडियो बनाऊंगा। तो लास्ट मोमेंट पर आप यहां से मिलियंस ऑफ पॉइंट ग्रैब कर सकते हो। ठीक है, सिर्फ 20 लाइक का टारगेट रखा है। नाउ वी आर रेडी टू स्पिल द बीम्स। द TGE डेट इज October 9, 2024। सो TGE भी 9 अक्टूबर को लॉन्च होना है। द मीम फाई विल बी लिस्टेड ऑन सेवरल टॉप टीयर सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस। तो टॉप टीयर यानी Tier 1, Tier 2 के एक्सचेंजेस पर यह रिलीज होने वाला है। न्यूज़ रिगार्डिंग दिस एंड द टॉप मीम फाई बैकर्स विल बी रिलीज इन द कमिंग वीक्स। तो अगले 2 वीक में कौन कौन मीम फाई को बैक कर रहा है और कौन कौन से एक्सचेंजेस पर यह रिलीज होने वाला है वो सब हमारे सामने आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब जैसे ही इसका TGE लॉन्च होगा उसके बाद इनका आगे का क्या कुछ रोड मैप होने वाला है उस पर ये लोग वर्क कर रहे हैं। अ पब्लिक एयरड्रॉप चेकर विल बी अवेलेबल इन एडवांस ऑफ TGE। सो पब्लिक एयरड्रॉप चेकर भी लॉन्च होने वाला है, आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। इसके हैक ट्रिक से आप अच्छे खासे पॉइंट को ग्रैब कर सकते हो, मिलियंस में आपको पॉइंट मिलेंगे और इसका TGE भी 9 अक्टूबर को लॉन्च हो जाएगा। तो अब आपको विड्रॉल के लिए यहाँ पर लेवल का कोई भी कंडीशन नहीं रखा है, तो आगे जाके देखते हैं क्या कोई कंडीशन वगैरह लाते हैं या फिर सबको नॉर्मली ही विड्रॉल मिल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक मेन अपडेट है उसको याद रखना है आपको, सबसे लास्ट वाला ऑप्शन में आना है जो वॉलेट का ऑप्शन रहेगा और यहाँ से आपको वॉलेट को जनरेट कर लेना है। वॉलेट जनरेट करने के बाद 12 वर्ड्स मिलेंगे, उसको किसी अच्छी जगह पर सेव कर लेना, इसी पर ही आपका पूरा अकाउंट रहने वाला है। इससे आपका एक अलग से वॉलेट बन जाएगा और फिर आप यहाँ से लॉगिन करोगे तो लॉगिन करते वक्त आपको 12 वर्ड्स यहाँ पर डाले होंगे, इसके अलावा आप लॉगिन नहीं कर पाओगे। ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है क्योंकि आपको जो विड्रॉल मिलेगा वो सीधा इसी वॉलेट में मिलने वाला है और जहाँ तक मुझे लगता है इसी वॉलेट से आपको विड्रॉल करना होगा किसी भी सेंट्रलाइजेशन या फिर डिसेंट्रलाइजेशन पर। सो ये वॉलेट मेन रहने वाला है। ठीक है, तो अभी तक वॉलेट जनरेट नहीं किया है तो जनरेट कर लेना और इसके फ्रेज है उसको किसी अच्छी जगह पर सेव कर लेना। तो यहाँ से आपको कैसे विड्रॉ करना है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। ठीक है, इसकी विड्रॉल की फ़ीस $2 के अराउंड रहने वाली है। तो मीम फाई की नई और बड़ी अपडेट है, इसका लिस्टिंग का डेट भी आ चुका है, TGE का डेट भी आ चुका है। तो चले मिलते हैं ऐसी एक और नई अपडेट के साथ एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए कीप माइनिंग एंड कीप अर्निंग।